टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में आप फिर से अगली क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था कि फिटर थ्योरी की पूरी क्लास के लिए मैं पूरा फुल वीडियो आप लोगों को लेने वाला हूं, फुल कोर्स लेने वाला हूं। जैसा कि इससे पहले की वीडियो में पूरी सिलेबस डिस्कस कर दिया हूं, जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम के वजह के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है सिलेबस का, तो आप लोग जाकर देख लीजिए। यदि फिटर से रिलेटेड कोई भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आप, ठीक है, फिटर से ही, ठीक है, चाहे इसरो डीआरडीओ, मैंने तरह तरह की बताए थे कि उसमें कौन कौन से जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। फिटर वाले बहुत सारे क्षेत्र में अप्लाई कर सकते हैं, उसमें मैंने जाकर बताया। पिछला वीडियो सभी का लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहां से मोटिवेशनल थॉट से स्टार्ट करेंगे। न पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर की इरादा किया है। न पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला उम्र भर, यह मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। तो आप भी आज वादा कर लीजिए कि आप फिटर पूरी थ्योरी की क्लास अच्छे से देखेंगे और अपनी कम्पिटेटिव एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जैसे कि अभी लोको पायलट और डीआरडीओ का है, तो वो सभी एग्जाम आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। चलिए, तो सबसे पहले आज की जो हमारा पहली क्लास है, यानी कि ये दूसरी क्लास है, पहली क्लास में हमने आप लोगों को सिलेबस बता रखा था, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग आप लोगों को परिचय देंगे, यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, तो परिचय और व्यवसाय से संबंधित पढ़ने वाले हैं। जो चैप्टर था पहला चैप्टर वो पढ़ेंगे। परिचय यहाँ पे आप लोग नोट करिएगा, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। परिचय, व्यवसाय एवं सुरक्षा साधन, इसमें पढ़ेंगे क्या, तो पहला टॉपिक इसमें आप लोग लिखिएगा, पहला जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं आग के बारे में पढ़ेंगे, किसके, फायर के बारे में। आग, देखिए ये चैप्टर ऐसा है, व्यवसाय सुरक्षा साधन, आग से डिफरेंट तरह क्वेश्चन बनता है, जैसे आग क्या है, ठीक है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी अभी हम कराएंगे। आग का प्रकार पूछता है, जैसे कि क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर, क्लास डी फायर, आग का प्रकार आप लोग नोट करिएगा। तो इसी क्लास में आग के प्रकार को भी देखेंगे। फिर अगला तीसरा यहाँ पे आप लोग नोट करेंगे, आग बुझाने की विधियाँ, आग बुझाने की विधियाँ, ठीक है। फिर यहाँ पे अगला नोट करिएगा, पाँचवा टॉपिक यहाँ पे अग्निशामक, सॉरी यहाँ पे चौथा टॉपिक नोट करिएगा इस चैप्टर का, अग्निशामक यंत्र, जिसे फायर एक्सटिंग्विशर के नाम से जानते हैं, अग्निशामक यंत्र, अग्निशामक यंत्र, ठीक है, अग्निशामक यंत्र। फिर ये हम लोग पढ़ेंगे अग्निशामक में, यानी कि आग लग जाती है तो उसे बुझाएंगे कैसे, वो सभी हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। फिर उसके बाद अगला पांचवा नोट करिएगा, फर्स्ट एड, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे फर्स्ट एड, यानी कि प्राथमिक चिकित्सा, फर्स्ट एफ आई आर एस टी, फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा ना, एड्स। इसमें तरह तरह की विधियां हैं, जैसे किसी को बिजली का झटका लग जाता है, श्वास लेने की विधियां, ये सभी हम इसी में कवर करेंगे फर्स्ट एड में। छठा टॉपिक नोट करिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, बहुत ही ज़्यादा। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है आग के प्रकार, आग बुझाने की विधियाँ, अग्निशामक यंत्र में जैसे तरह तरह की अग्निशामक यंत्र होते हैं, जैसे कुछ का मैं अगर नाम बताऊं तो यहाँ पे आप लोग नोट करेंगे, सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र, CTC अग्निशामक यंत्र, ठीक है, पाउडर अग्निशामक यंत्र, ये सभी हम इसमें करेंगे। छठा आप लोग यहाँ पे टॉपिक नोट करिए, कर्मशाला में प्रयुक्त महत्वपूर्ण चिन्ह, कर्मशाला में, यानी कि आप जहाँ जॉब करेंगे ना आप लोग, तो वहाँ प्रयुक्त जो चिन्ह है ना, कर्मशाला में प्रयोग होने वाले यानी महत्वपूर्ण चिन्ह उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण चिन्ह, यानी जिसे हम लोग सिंबल भी बोलते हैं, ये टॉपिक हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम चलिए यहाँ पे आग के बारे में देखते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आग बना रहा हूँ और उसके बाद हम लोग आग के प्रकार पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों से क्वेश्चन बनता है, सभी टॉपिक से क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर में, अगर मैं बोर्ड को मिटा दूँ और आगे की क्लास को जारी रखूँ, ठीक है, ये मिटा दे रहा हूँ। और पहला आप लोग टॉपिक डालिएगा आग, मैं यहाँ पे एक आग की चित्र बना रहा हूँ। देखिए कोई भी आग हो, जैसे मैं यहाँ पे मान लीजिए ये आग जला हुआ है, कोई भी आग है, लकड़ी जल रही है ना, ये आग लगा हुआ है। अब इस आग को जलाने के लिए तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है, जो कि आग आप लोगों को पूछता है एग्जाम में कि आग को जलाने के लिए कौन कौन साधनों की आवश्यकता पड़ती है। तो याद रखिएगा, आग अगर जलाना है, आग लगाने की विधि, आग आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, तीन चीजों की जरूरत होती है आग लगाने की विधि में।
पहला इसमें जो चीजें चाहिए, पहले तो आग लगाने के लिए हमें तीन चीज की जरूरत पड़ती है। पहला क्या चाहिए आपको, ईंधन चाहिए, कोई ना कोई ईंधन होना चाहिए तभी आग जलेगा, ठीक है। तीन चीजें जरूरत पड़ती है आग लगाने के लिए, अगर तीनों में से कोई एक भी नहीं है ना तो आग नहीं जलेगा। तो पहला आप लोग नोट कर लिए ईंधन, दूसरा आप लोग उचित तापमान, यानी कि जो वस्तु हम जलाने वाले हैं उसका तापमान एक होता है, उस टेम्परेचर पे जाकर ही वस्तु वो जलती है, तो उचित तापमान यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तीसरा यहाँ पे नोट करेंगे आप लोग, उचित ईंधन हो गया, उचित तापमान हो गया, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन नहीं भी हो नहीं होगा तो आग नहीं जलेगा। ये तीन चीज जरूरत होती है आग जलाने के लिए। अब यहाँ पे आग लगा तो आग जलाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें O2 चाहिए, ठीक है। वायुमंडल में O2 उपलब्ध है, और यहाँ पे लकड़ी वगैरह कागज वगैरह रख दिए हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पे लकड़ी लिख दे रहा हूँ, ईंधन के रूप में लकड़ी हो सकता है, कोयला हो सकता है, कागज हो सकता है, तरह तरह की डिफरेंट थिंग हो सकती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया तो O2 आपको वायुमंडल से मिल गया। अब उचित तापमान, जैसे लकड़ी है तो उसका एक टेम्परेचर होगा, आग ऐसे ही नहीं जल जाएगा, जैसे मान लीजिए लकड़ी में रख दिया तो नहीं जलेगा, अगर उसको हम कुछ टेम्परेचर देंगे तो ही वो जलेगा, ठीक है। यानी कि हम उचित तापमान देंगे और ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी और ईंधन होगा तो ही आग जलेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों का जो बनता है वो नोट करेंगे, जैसे आग लगाने के लिए कितनी चीजों की जरूरत होती है, तो आप लोग नोट करेंगे ईंधन, उचित तापमान, ऑक्सीजन, अगर इसमें से एक भी नहीं रहेगा ना तो आग नहीं जलेगा। देखिए कैसे पूछता है। अब यहाँ पे एक और हेडिंग डाल लीजिए, आग लगाने की विधि हो गया, अब आग बुझाने की विधि यहाँ पे नोट करेंगे, आग जो कि ये पूछता है एग्जाम में, आग बुझाने की विधि, उस विधि का नाम भी लिखेंगे अगर आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं होगा तो मैं बताऊंगा। यहाँ पे देखिए, पहले तो आग लगाने के लिए इन तीन चीजों की जरूरत पड़ती है, और आग बुझाने के लिए भी इन तीनों में से कोई एक हटा लेंगे ना तो आग बुझ जाएगा। यही हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक है अग्निशामक यंत्र में कैसे वो काम करता है, ये तीन चीज समझे रहेंगे तो मेरे लिए आसान होगा आप लोगों को समझाने के लिए, तो ये तीन चीज समझे रहिएगा। अब देखिए आग बुझाने की विधि में आप लोग पहला देखेंगे, देखिए तीन विधियां होती है, एक होता है कूलिंग विधि, एक होता है, देखिए जहां पे ईंधन को हटा लेंगे, मान लीजिए ईंधन लकड़ी है जल रहा है उसको हटा लेंगे तो वो जलेगा क्या, तो अगर हम ईंधन को हटा लेंगे जहां पे तो वो क्या हो जाएगा, आग के ईंधन को हटाएंगे तो उस विधि को बोलते हैं स्टार्विंग विधि। आप लोग नोट करिएगा ये इंपॉर्टेंट है, स्टार्विंग मेथड। स्टार्विंग मेथड में क्या होता है कि जो जलने वाली ईंधन है, फ्यूल है, उसी को हटा लिया जाता है, तो उस विधि को एग्जाम में पूछता है कि उसको क्या बोलते हैं, तो स्टार्विंग विधि आपका ऑप्शन दे देगा। स्टार्विंग विधि में क्या हटाया जाता है, तो ईंधन को हटाया जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा आता है, अगर मान लीजिए ईंधन है, ऑक्सीजन है, अगर हम तापमान उसको नहीं दे पाएंगे तो वो जलेगा नहीं, सारी चीज रहेगी लेकिन उसे तापमान नहीं मिल पा रहा है, उचित टेम्परेचर नहीं मिल पा रहा है, वो जलेगा नहीं। यानी कि इस विधि को क्या करेंगे, उचित विधि, अगर आग बुझाना है तो हम उचित तापमान, यानी कि उसको तापमान को क्या कर देंगे, कूल कर देंगे, यानी कि ठंडा कर देंगे तो भी वो नहीं जलेगा, ठीक है। यानी कि दो चीजें तो रहेंगी ईंधन बुझाने के लिए, ईंधन और ऑक्सीजन रहेगा, लेकिन उचित तापमान हम लोग कूल कर दे रहे हैं किसी चीज को, ठंडा कर दे रहे हैं, तो वो चीज नहीं जलेगा। फिर तीसरी विधि होती है ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, तो ऑक्सीजन नहीं है तो उस समय इस विधि को क्या बोलते हैं, स्मूथिंग विधि बोलते हैं। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछता है, जैसे बोल देगा स्मूथिंग विधि में क्या होता है, तो स्मूथिंग विधि में आप ऑक्सीजन को हटा लेते हैं जिससे कि आग बुझ जाता है। स्टार्विंग विधि में क्या होता है, ईंधन को ही हटा लेते हैं तो हमारा ताप क्या होता है, बुझ जाता है आग। उचित तापमान, तो हम तापमान को ही क्या कर दे, खराब कर दे, यानी कि वो उचित तापमान न दे जिसपे वो वस्तु ज्वलनशील होती है। तो ये विधियां हैं, आप लोग तीनों विधि नोट कर लेंगे, ईंधन नहीं होगा तो स्टार्विंग विधि, उचित तापमान नहीं मिलेगा तो उसको कूलिंग विधि कहते हैं, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो उसे स्मूथिंग कहते हैं। तो तीनों इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अब आपका अगला जो क्वेश्चन आता है, अगला टॉपिक है, वो नोट करेंगे आप लोग, नोट करते जाएंगे, ठीक है। और पूरा फीटर का सिलेबस मैं आप लोगों को कवर कराऊंगा, और अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, आप लोग लाइक ही मोटिवेशन होता है। और ये जो मैं करा रहा हूँ इसका क्विज वगैरह करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ में PDF वगैरह भी प्रोवाइड किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दूसरा जो आप लोग हेडिंग डालेंगे वो है आग के प्रकार, ये काफी इंपॉर्टेंट है ये भी टॉपिक, आग के प्रकार,
ठीक है, टाइप्स ऑफ फायर आप लोग नोट कर लेंगे, टाइप ऑफ फायर। अब देखिए आप लोग हमेशा कंफ्यूज होते जाते हैं, क्लास ए फायर किसे कहते हैं, क्लास बी फायर किसे कहते हैं, क्लास सी फायर किसे कहते हैं, क्लास डी फायर किसे कहते हैं। आज के बाद आपको कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, एग्जाम में भी आप कर ले जाएंगे। देखिए यहाँ पे जो आग का प्रकार है ना, वो टोटल चार प्रकार का होता है, वो नोट करेंगे, वो चारों प्रकार। सबसे पहला है यहाँ पे क्लास ए फायर, यहाँ पे आप लोग नोट करते चलिएगा, क्लास ए फायर। ठीक है, क्लास ए फायर क्या होता है देखिए, तो क्लास ए फायर को कहते क्या है, आप लोगों से पूछ देता है कभी डायरेक्टली, अब बोलेंगे नहीं, देख लीजिएगा, बस बने रहिए आप लोग। तो क्लास ए फायर, हम क्लास ए फायर को कार्बोनेशन, कार्बोनेशन फायर भी कहते हैं, कार्बोनेशन फायर भी कहते हैं। अब उसमें कार्बन की मात्रा होगा, क्लास ए फायर में कार्बन की मात्रा होगा, और वो कैसा होगा, ठोस होगा। क्या होगा, ठोस होगा। तो ठोस में सभी, ठोस नहीं, जो ठोस होगा और उसमें कार्बन होगा, जैसे कि लकड़ी हो गया, कागज हो गया, प्लास्टिक हो गया, यहां पर नोट कर लेंगे। क्लास ए फायर को कार्बोनेशन फायर कहते हैं, वो ठोस होता है। आप लोग पढ़े होंगे ना, यहाँ पे मैं नोट कर रहा हूँ, एक फिजिक्स में पढ़े होंगे, द्रव की तीन अवस्था, द्रव की तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस, बस यही याद करना है और आप लोग भूलेंगे नहीं। तो मैंने तो ठोस करा दिया आप लोगों को, ठीक है। अब बचा क्या, द्रव। तो द्रव क्या आ जाएगा, क्लास बी फायर में। ठोस, द्रव, गैस याद ही है, सभी को याद होगा क्योंकि आप लोग फिजिक्स में बहुत बार पढ़े होंगे। क्लास बी फायर, क्लास बी फायर यहां पे क्या होगा, द्रव वाली पार्ट होंगी, द्रव क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। जो यहां पे आप लोग लिखिए, ज्वलनशील द्रव, ज्वलनशील द्रव। अब ज्वलनशील द्रव में क्या क्या आएंगी, यहां पे आप लोग नोट कर लेंगे। ठोस में क्या क्या आएगा, तो यहां पे आप लोग नोट कर लेंगे, लकड़ी होगी, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, कागज हो जाएगा, आप लोग ये नोट कर लीजिएगा, या और प्लास्टिक हो जाएगी। ये क्या है, प्लास्टिक, ये कार्बोनेशन फायर है, यानी कि क्लास ए फायर में आएगा लकड़ी, कागज, ठीक है, लकड़ी, कागज और प्लास्टिक। अब क्लास बी फायर में आया, मैं बोल रहा हूं इसमें ज्वलनशील द्रव आएगा। ज्वलनशील द्रव क्या होता है, जैसे कि यहां पे डीजल आप लोग देख रहे हैं, वो क्या है, वो ज्वलनशील द्रव है। उसके बाद डीजल के बाद अगर आप लोग देखेंगे तो पेट्रोल आता है, पेट्रोल, ये भी क्या है, केरोसिन ऑयल हो गया, पेट्रोल, किरोसिन आयल, ये सभी क्या है, ये लिक्विड के फॉर्म में होते हैं और ये क्लास बी फायर में आएंगे। तो आपने ठोस देख लिया, ठोस होगा तो क्या होगा, क्लास ए फायर, ठोस, द्रव, गैस। ठोस, ठोस मतलब क्लास ए फायर, द्रव मीन्स क्लास बी फायर, और सी, सी मतलब क्लास, ठोस, द्रव, गैस, सी, ए बी सी, यहां पर हम नोट कर दे रहे हैं। देखिए इसको हटा के आप लोग को याद हो जाएगा, जैसे ए बी और सी, तो सी में कौन आएगा, गैस वाला आएगा। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग, क्लास सी फायर, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्लास सी फायर। इसमें क्या क्या आएगा, सबसे पहले देखिए, क्लास सी, ठोस, द्रव, अब क्या आ जाएगा, क्लास सी फायर में गैस वाली चीजें आ जाएंगी, गैस, जैसे कि मेथेन हो गया, आप लोग नोट कर लीजिएंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है डायरेक्टली, मेथेन किस में आता है, तो क्लास सी फायर में। तो ठोस, द्रव, गैस, ये हमें लग रहा है कि आपको याद हो, याद तो हो गया होगा कंफर्म, ठोस, द्रव, गैस, ए बी सी, ए बी सी, ठोस, बी, द्रव, सी, गैस, बस सिंपल है। अब मेथेन हो गया, दूसरा इंपॉर्टेंट है, ये भी लिख लीजिएगा, ब्यूटेन पूछ देता है, ब्यूटेन किस प्रकार के आग में आएगा, तो क्लास सी फायर में आएगा, ब्यूटेन हो गया, मेथेन हो गया, और यहाँ पे ये ठीक है, एलपीजी, एलपीजी जो सिलेंडर आप लोग जलाते हैं, वो हमारे घरों में जो यूज होता है एलपीजी सिलेंडर, वो आ जाता है, ठीक है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, हाँ, नोट करते जाइएगा। चलिए अब अगला जो आता है, हमने चार प्रकार का बताया था, अब अगला है क्लास डी फायर। तो यहाँ पे मैंने तीन तो याद करा दिया आप लोगों का, देखिए ठोस भी याद कर लिए आप, द्रव भी याद कर लिए, गैस भी याद कर लिए, एक आग बचा हुआ है जो कि बिजली से और धातु से लगता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोग का रेज होगा जो कि मैं वो डाउट क्लियर करूंगा, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए, क्लास डी फायर में क्या आएगा, तो बिजली से लगी आग, आप लोग पहले नोट करिए, क्लास डी फायर में बिजली से लगी आग तथा धातु, धातु जैसे एल्युमिनियम हो गया, धातु कोई भी हो सकता है, उससे लगी आग, धातु से लगी आग, डायरेक्ट लिखिए, धातु से लगी आग,
ये नोट कर लीजिए। अब देखिए धातु आप लोग कहेंगे ठोस है, और ठोस वाला किस में आता है तो बोलेंगे ए में आता है, ठोस ए, ठीक है, क्लास ए फायर में ठोस आता है। लेकिन मैं बोल रहा हूं इसको कार्बोनेशन, क्लास ए फायर को क्या बोलते हैं, कार्बोनेशन फायर, मैंने पहले ही बता दिया है उसमें कार्बन की मात्राएं होंगी, लकड़ी में कार्बन की मात्रा, कागज प्लास्टिक ये कार्बन की मात्राएं होंगी, उसी को हम लोग क्लास ए फायर कहेंगे। धातु में कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती, इस वजह से यहां पे हम लोग इसको धातु से लगी आग को हम लोग बोल सकते हैं क्लास डी फायर। अब देखिए धातुएं भी कई तरह की होती है ना, अब चलिए ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है और याद करने के लिए ये रखिएगा, कार्बोनेशन फायर में लकड़ी कागज प्लास्टिक आता है, और क्लास डी फायर में बिजली से लगी आग और धातु से लगी आग आती है। ये याद रखिएगा, धातु से लगी आग आएगी तो क्लास डी फायर में, पूछ देता है, कंफ्यूजन भी होता है, ठोस बताए थे तो क्लास ए में नहीं, क्लास ए में कौन जाएगा, क्लास ए में कार्बोनेशन लकड़ी कागज प्लास्टिक आएगा, क्लास बी में डीजल पेट्रोल किरोसिन ज्वलनशील द्रव आएगा, क्लास सी में गैस आएगा जैसे मेथेन ब्यूटेन एलपीजी, और क्लास डी में क्या आएगा, बिजली से लगी आग और धातु से लगी आग। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, अब अगला टॉपिक आप लोग लिखिएगा अग्निशामक यंत्र एवं उसके प्रकार, ठीक है। आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और देखिए ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप, जिससे कि मैं आगे आने वाले सभी जॉब की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे पाऊँ ग्रुप के माध्यम से, और क्विज वगैरह जो होता है वो आप लोगों को करा पाए, ठीक है। अब देखिए अगला लिखिएगा अग्निशामक, अग्निशामक के प्रकार, हम प्रकार को तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, उससे पहले आप लोग समझिए अग्निशामक का मतलब क्या होता है, अग्निशामक क्या होता है। तो देखिए जो आग बुझा देना उसी को अग्निशामक कहते हैं, अग्निशामक किसे कहते हैं, आग बुझाने की विधि को अग्निशामक, आग बुझा दे उसे क्या कहते हैं, उसे अग्निशामक कहते हैं ना, और जो यंत्र इसके लिए प्रयोग करते हैं उसे अग्निशामक यंत्र कहते हैं। अब अग्निशामक यंत्र टोटल कितने प्रकार का होगा तो वो भी हम पढ़ेंगे, वो भी चार प्रकार का होता है, वो आप लोग नोट करेंगे। पहला है सोडा एसिड वाटर, सोडा एसिड अग्निशामक, सोडा एसिड अग्निशामक, ये पहला है जिसको हम लोग अभी पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, और जो मेथड इसमें इस्तेमाल होता है, जो क्वेश्चन पूछता है वो भी हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा नोट करिएगा यहां पे सीटीसी अग्निशामक इंपॉर्टेंट है ये सभी, ठीक है, और इसके मेथड के बारे में बताएंगे, बिल्कुल याद हो जाएगा, बहुत से आप रटते हैं, आज के बाद रटना नहीं पड़ेगा आप लोगों को। तीसरा यहां पे नोट करेंगे फोम अग्निशामक, और चौथा यहां पे नोट करेंगे ड्राई पाउडर अग्निशामक। इतने प्रकार के आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता है, इन सभी को बारी बारी से देखेंगे और इसकी मेथड देखेंगे कहाँ पे प्रयोग किया जाता है। डायरेक्ट पूछ लेता है कि सोडा एसिड अग्निशामक का यंत्र किस प्रकार के आग में करते हैं, क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर, क्लास डी फायर, ऐसे डायरेक्ट पूछ देता है। ड्राई पाउडर अग्निशामक यंत्र कहाँ प्रयोग किया जाता है, तो ये आपको पता रहेगा तो ही आप कर पाएंगे। चलिए तो पहला हेडिंग आप लोग डाल लीजिएगा सोडा एसिड अग्निशामक, ठीक है, पहला यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिएगा सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र। इसमें क्या होता है, थोड़ा मेटल आप लोग समझेंगे, यहाँ पे एक सिलेंडर होता है, ठीक है, इस सिलेंडर के अंदर, ये मैं एक सिलेंडर बना रहा हूँ, आप लोग भी ऐसे ही बना लीजिएगा, ये सिलेंडर है, और इसमें एक शीशे का, कांच का एक, और इसके अंदर शीशा होता है, ठीक है, एक बोतल होती है जिसमें कुछ भरी रहती है उसको मैं बता रहा हूँ अभी, और दूसरे वाले बड़े वाले सिलेंडर में कुछ होता है उसको भी। तो जो अंदर वाला सिलेंडर छोटा वाला बोतल है उसमें क्या रहता है, तो इसमें H2SO4 रहता है, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड रहता है, H2SO4, आप लोग नोट कर लीजिएगा सल्फ्यूरिक एसिड रहता है H2SO4 रहता है ना, थोड़ा सा कट रहा है, आप लोग नोट कर लीजिएगा सल्फ्यूरिक एसिड, और जिसे H2SO4 कहते हैं। और बड़े वाले सिलेंडर इसमें क्या रहता है, तो इसमें रहता है सोडियम बाइकार्बोनेट। मेथड समझिएगा जो मैं समझा रहा हूं, क्योंकि आप लोग भूल जाएंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट,
सोडियम बाइकार्बोनेट, ये रहता है। देखिए सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड का आप लोग रासायनिक सूत्र H2SO4 याद कर लीजिएगा, और सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम का Na और बाई है तो एच, और कार्बोनेट का CO3 होता है, ठीक है। तो ये दो होता है, और यहाँ पे क्या लगा रहता है, प्रेशर वाल्व लगा होता है, और यहाँ पे दो चीजें बनी होती है कुछ इस प्रकार, जो कि प्रेशर से इसमें से निकाला जाएगा दबा के, ठीक है। और यहाँ से एक पाइप निकली रहती है जो कि डायरेक्ट छिड़काव किया जाता है, आग लग जाता है तो उसके ऊपर, ठीक है, यानी कि सोडा एसिड यहाँ पे वो छिड़काव किया जाता है। अब क्या होता है, प्रेशर जब ये यहाँ पे एक नोब होता है, नोब, इस नोब को नोट कर लीजिए, और ये किसका बना होता है, अंदर वाला कांच का बना होता है, जब इसे हम लोग पटकते हैं तो यहां से नोब टूट जाता है, नोब टूटने की वजह से H2SO4 और सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों मिक्स हो जाता है। मिक्स होने के बाद ये क्या करता है, जैसे आग यहां पे लगा है, यहां पे मैं एक छोटा सा आग बना रहा हूं, आप लोग यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, आग है, आग जल रही है ना, कोई भी आग जल रहा है यहां पे। अब यहां पे आग लगा हुआ है, इसे बुझाना है, तो हम लोग इसका छिड़काव करेंगे सोडा एसिड का। देखिए सोडा एसिड का पहले यहां पे मैं पूछ लेता एग्जाम में डायरेक्टली, तो रासायनिक फार्मूला यहां पे नोट कर लीजिएगा आप लोग, रासायनिक फार्मूला डायरेक्ट पूछता है, सोडा एसिड का रासायनिक फार्मूला लिखिए, रासायनिक फार्मूला सूत्र, रासायनिक सूत्र लिखिए, तो आप लोग नोट करेंगे कौन सा यहां पे हुआ है। देखिए NaHCO3 प्लस क्या मिल जाता है, तो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाता है H2SO4। तो क्या बनाता है ये, जब यहाँ नोब टूटता है दोनों मिक्स होता है तो क्या बनाता है, तो वो नोट करेंगे, जो बनाता है वो आप लोग Na2SO4 प्लस H2O, H2O बनाता है यानी कि जल बनाता है, जो कि आग बुझाने काम आता है जल, प्लस यहाँ पे CO2 बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल मिलकर क्या बनता है, सोडियम सल्फेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब यहां पे देखिए, यहां पे हम लोग अभी आप लोगों को बताया था तीन चीजों की आवश्यकता होती है आग जलाने के लिए, क्या, पहला ईंधन, दूसरा तापमान, तीसरा टेम्परेचर। अब यहां पे O2 है, ठीक है, और आपको पता है आग बुझाने के लिए कोई भी एक चीज हटा देते हैं इनमें से तो आग बुझ जाती है, तो हम O2 को हटाना चाहेंगे, तो इसका छिड़काव करेंगे, तो ये क्या करेगा, देखिए CO2 क्या करेगा, CO2 का अणु बाहर निकालेंगे, तो कार्बन, देखिए कार्बन का यहां पे अगर हम लोग इसको वो कर दें, अगर संतुलित कर दें, संतुलित समीकरण बना दे, तो यहां पे अब देखिए यहां पे 2 दिया हुआ है, 2HNO3 H2O, तो क्या बन जाएगा Na2SO4 2H2O, ठीक है, 2H2O प्लस 2CO2 बन जाएगा। अब देखिए दो कार्बन अणु यानी कि दो गुड़े, कार्बन का एक परमाणु का अणु का भार कितना होता है, तो 6 होता है, कितना होता है 6, तो दो कार्बन है तो 2×12 प्लस O2 दिया है, तो ऑक्सीजन का अणु भार कितना होता है 16 होता है, और दो है, दो अणु भार है 2, तो टोटल कितना हो जाएगा 12 प्लस 32, टोटल कितना हो जाएगा 44, ठीक है। ये जरूरी नहीं एग्जाम में ये नहीं पूछता, ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। और यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की अणु भार अभी मैंने बताया 1×16 होता है, तो दो अणु भार यहाँ भी ऑक्सीजन का O2, तो ये कितना हो जाएगा 32। अब देखिए 32 अणु भार वाला यानी कि ये जो है ये परत आग के ऊपर ऑक्सीजन है O2, ठीक है, यहाँ पे O2 है। अब जब इसका छिड़काव करेंगे तो O2 कितना है 32, अब 32 से भारी है कार्बन डाइऑक्साइड का अणु भार कितना है 44, तो ये भारी है, तो भारी है तो ऊपर आ जाएगा। अब देखिए ये आकर इसको क्या कर लेगा, यहां पे ढक लेगा इसको, CO2 परत क्या कर लेगा O2 को ढक लेगा, जो कि ऑक्सीजन ऊपर है इससे संपर्क तोड़ देगा, जो वायुमंडल में ऑक्सीजन यहां पे है इससे क्या कर देगा, इस आग का संपर्क तोड़ देगा, जिसके वजह से कार्बन डाइऑक्साइड इसके ऊपर क्या हो जाएगा ढक लेगा, जिसके वजह से आग बुझ जाएगी, ये प्रोसेस था, ठीक है, समझ लिया आप लोग। तो पूछ देता है रासायनिक फार्मूला, तो आप लोग नोट कर लिए होंगे रासायनिक फार्मूला। उसके बाद यहां पे रासायनिक फार्मूला के बाद पूछ देता है यहां पे यूज, इसमें कहां पे प्रयोग किया जाता है, उपयोग इसका कहां किया जाता है, ये नोट करिए। तो देखिए कार्बन क्या कर दिया, ये चारों तरफ से ढक लिया, तो इसका उपयोग जो है क्लास ए फायर में इसका इस्तेमाल करते हैं। ए फायर में क्या होता है, ए फायर में अभी मैंने बताया ठोस पदार्थ होती है, ठोस पदार्थ यानी किस चीज की आग को बुझाने में, तो लकड़ी हो गई, लकड़ी की आग लगी है तो उसको बुझाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करेंगे, या डायरेक्टली आपका एग्जाम में पूछ देता है क्लास ए फायर को बुझाने के लिए कौन सा अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करेंगे, तो सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करेंगे। तो ये लकड़ी हो गया, कागज हो गया, प्लास्टिक हो गया,
कागज, प्लास्टिक, इसके आग को बुझाने के लिए प्लास्टिक, ठीक है, इन सभी आग को बुझाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। उसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट है वो पूछ देता है इस यंत्र का, यानी कि जो यहाँ पे हम मैंने बनाया है वो क्या है, सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र है, ठीक है। और ये फायर एक्सटिंगिजर, यानी कि जिसे देखिए अग्निशामक मतलब इंग्लिश में एक्सटिंगिजर बोलते हैं। अब इसको कलर कोड पूछता कि इसका कलर कोड क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट है वो भी नोट कर लीजिएगा, कलर कोड आप लोग नोट करिए, कलर कोड, तो ये वो किस कलर का होता है, तो उसका कलर आप लोग यहाँ पे लिखेंगे पीले कलर का होता है, इसका जो बाहरी परत ये रंगा होता है किस कलर का, पीले कलर का, ठीक है। तो ये पूछ देता है एग्जाम में डायरेक्टली, क्या पूछेगा, देखिए पूछेगा सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो क्लास ए फायर, यानी क्लास ए मतलब ठोस पदार्थ से लगी आग को बुझाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। डायरेक्टली पूछ देता है सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र में क्या होता है, तो आप लोग ये पिक्चर बना लेंगे, इसके अंदर एक कांच होता है, कांच में H2SO4 भरा होता है और बड़े वाले सिलेंडर में सोडियम बाइकार्बोनेट भरा होता है, और इसका फार्मूला यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, और कलर कोड ये हो गया। चलिए दूसरा टॉपिक अब हम लोग अग्निशामक का देखेंगे, दूसरा नोट करिए, ये सभी आग बुझाने के काम में आते हैं, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे रहने देते हैं। अब यहाँ पे देखिए सभी तरह के फायर एक्सटिंगजर एक ही जैसा होगा, बना तो इसी तरह टाइप का होगा और ऐसा ही होगा। चलिए दूसरा आप लोग नोट करिएगा, यहाँ पे दूसरा फोम अग्निशामक यंत्र, फोम अग्निशामक यंत्र अगला टॉपिक है, फोम अग्निशामक यंत्र। इसमें क्या होता है, देखिए फोम वाले में सेम फायर एक्सटिंगजर इसी तरह बना रहता है, जिसमें जहाँ पे हम लोग H2SO4 का इस्तेमाल करते थे वहाँ पे क्या होता है Al2SO4 होता है, यानी कि एल्यूमिनियम सल्फेट होता है, Al2SO4 ये होता है, ठीक है। और बड़े वाले सिलेंडर में क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, बाकी ये नोब है, और यहाँ से जब हम लोग इसको पटकते हैं तो ये कांच का नोब टूट जाता है, टूटने की वजह से Al2SO4 और सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों मिक्स हो जाता है, तो इसका भी देखिए तो ये क्या बनाता है, देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर हम लिखे NaHCO3 प्लस Al2SO4, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका रासायनिक फार्मूला नहीं पूछता, लेकिन आप लोग नोट कर लीजिएगा ये क्या होगा, क्या क्या बनाता है, तो नोट करिएगा Na2SO4 बनाता है प्लस Al2, यहां मैं नीचे लिख दे रहा हूं Al2OH का थ्राइस प्लस CO2 बनाता है। तो आपको पता है जहां कार्बन डाइऑक्साइड होगा अगर ढक लेगा चारों तरफ से परत बना के, यहां भी कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, तो ये क्या कर लेगा, आग को चारों तरफ से ढक लेगा, ऑक्सीजन से संपर्क तोड़ देगा, जिसके वजह से आग क्या हो जाती है, बुझ जाती है। तो ये रासायनिक अगर फार्मूला लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिएगा, मैं यहां पे आप लोगों के लिए लिख दिया रासायनिक सूत्र, ठीक है। तो इसमें क्या होता है Al2SO4 और सोडियम बाइकार्बोनेट पटकते हैं तो ये नोब टूट जाता है, जिसके वजह से Al2SO4 NaHCO3 मिक्स होता है, मिक्स होने के बाद ये बनाता है। अब देखिए इसका उपयोग, फोम का लिखिए, फोम का उपयोग कहाँ करते हैं, उपयोग इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है फोम अग्निशामक यंत्र का प्रयोग कहाँ करते हैं, ठीक है, फोम एक्सटिंगजर का यूज कहाँ करते हैं, तो उपयोग लिखिएगा इसका इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने बताया इसके आयल फायर के लिए, आयल फायर, अब यहाँ आयल फायर में लिख रहा हूँ, आयल फायर किस में आएगा, ये आयल क्या है, एक तरह से द्रव अवस्था में है ना, द्रव अवस्था ठोस, द्रव गैस, द्रव ABC, द्रव किस में आएगा, B, यानी कि क्लास B फायर को बुझाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं ना, क्लास B फायर से लगी आग को बुझाने में किसका प्रयोग किया जाता है, फोम अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ये आप लोग लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट डायरेक्टली पूछता है फोम अग्निशामक यंत्र का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो क्लास बी फायर में। क्लास बी में क्या क्या आता है वो लिख लीजिए, अभी मैंने आप लोगों को लगाया द्रव में, द्रव वाला में डीजल और पेट्रोल वगैरह आएगा, डीजल और पेट्रोल, ये नोट कर लीजिएगा। फिर इसका देखिए कलर कोड पूछता है, इस सिलेंडर का कलर क्या कैसा होता है, तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे कलर, सिलेंडर का कलर लिख लीजिएगा, तो सिलेंडर का कलर इसका जो होता है वो भूरे रंग का या क्रीम रंग का होता है,
ब्राउन रंग का या क्रीम कलर का, भूरे रंग या क्रीम कलर का, ये नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये पूछ देता है। ठीक है, आप लोगों को देखिए ये रासायनिक फार्मूला में क्यों लिखा, क्योंकि यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जो कि आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड आग को बुझाने का काम करता है। अगला ये हो गया दूसरा। अब तीसरा आप लोग तो यहां पे डालेंगे अग्निशामक यंत्र। तीसरा अग्निशामक यंत्र लिखिएगा सीटीसी अग्निशामक यंत्र, सी टी सी, देखिए इंपॉर्टेंट है अग्नि शामक, सीटीसी अग्निशामक यंत्र। अब सीटीसी आपका देखिए सबसे पहले ये तीसरा है टॉपिक हमारा, तीसरा टॉपिक अग्निशामक के प्रकार में तीसरा टॉपिक है सीटीसी। सबसे पहले पूछता है इसका सीटीसी का फुल फॉर्म, तो यहां पर नोट कर लेंगे सीटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, कार्बन टेट्रा क्लोराइड पूछ देता है। सीटीसी अग्निशामक यंत्र में सीटीसी का फुल फॉर्म बताइए, तो सीटीसी का फुल फॉर्म क्या होगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, आप लोग नोट करिएगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब सीटीसी को अन्य नाम से किस नाम से जानते हैं, तो इसे इसे नोट करिएगा हैलोन, हैलोन अग्निशामक यंत्र के नाम से भी जानते हैं, अग्नि शामक यंत्र। दूसरा नाम क्या है सीटीसी का, दूसरा नाम हैलोजन, सॉरी हैलोन अग्निशामक यंत्र है। तीसरा नाम इसका बताइए, तो देखिए सीटीसी का पूछ लेता है दूसरा नाम क्या है, हैलोन अग्निशामक यंत्र। ठीक है, ऑप्शन में ये होगा, अगर ऑप्शन में ये नहीं रहेगा तो दूसरा भी हो जाता है, क्या होता है वो है ब्रोमो फ्लोरो मेथेन, बी सी एफ, ब्रोमो ब्रोमो क्लोरो मेथेन, ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो मेथेन, ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो मेथेन पूछ देता है। ठीक है, यानी कि सीटीसी का नाम यहां पे देखिएगा सीटीसी अग्निशामक यंत्र का, सीटीसी का फुल फॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड, सीटीसी को अन्य दो नाम से जानते हैं, एक हैलोन अग्निशामक यंत्र और दूसरा ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो मेथेन। क्यों, अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, इन नामों से क्यों जाना जाता है, तो वो नोट कर लीजिएगा। केमिकल इसका पूछ देता है, यानी कि रसायन, क्या क्या रसायन होता है, तो रसायन इंपॉर्टेंट है इसमें। देखिए जो रसायन होता है वो है कार्बन, एक तो कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, पहला जो है जो नाम है उसका वही चीज होता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, जो इंपॉर्टेंट है ना, बस मैं आप लोगों को वही बता रहा हूं, इधर उधर की चीजें पढ़ने से बेहतर है कि आप वही चीजें पढ़िए जो एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, उसके बाद में आप लोगों को जब आप लोग पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि मैंने सारे इंपॉर्टेंट कवर कर दिया है। ठीक है, तो इसमें क्या रसायन पाया जाता है, पहला कार्बन टेट्राक्लोराइड पाया जाता है और दूसरा जो पाया जाता है वो है ब्रोमो क्लोरोमेथेन, जो मैं ऑलरेडी यहां पर लिखा हुआ हूं, इसलिए इसी नाम से जाना जाता है ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो मेथेन, इस नाम से इसे क्या करते हैं हम लोग जानते हैं, यानी कि इसमें रसायन ही होता है इसीलिए इस नाम से जानते हैं। अब अगला जो इसका है सीटीसी का उपयोग पूछता है, क्या पूछता है, उपयोग, यहां पे लिख दे रहा हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा उपयोग कहां पे उपयोग, तो देखिए सीटीसी का उपयोग हम लोग कहां करते हैं, तो सीटीसी का उपयोग लिख लीजिएगा जहां पे बिजली से लगी आग है ना वहां पे सीटीसी का उपयोग करते हैं, बिजली से लगी आग को बुझाने में, बुझाने में इसका उपयोग करते हैं, किसका, सीटीसी का। ठीक है, फोम एक्सटिंग्विशर का हम लोग क्लास बी फायर में यूज किए थे, और इसका कौन सा हो जाएगा, बिजली से लगी आग किस में आता है, क्लास डी फायर में, आप लोगों को पता है ना, तो कभी कभी डायरेक्टली पूछ देता है।
बिजली से लगी आग को हम लोग किससे मतलब बुझाते हैं, कौन से अग्निशामक यंत्र? तो सीटीसी अग्निशामक यंत्र ऑप्शन में दे देगा। अगर ऑप्शन में नहीं है तो हेलोन अग्निशामक यंत्र होगा, अगर वो नहीं है तो ब्रोमो क्लोरो फ्लोरोमेथेन होगा। इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन दिया रहेगा वही आपका सही होगा। ठीक है, उपयोग हो गया। अब सीटीसी का कलर कोड पूछता है, क्या पूछता है सीटीसी का कलर कोड, यहाँ पे लिख लीजिएगा, यहाँ पे समझ में आ रहा है, यहाँ पे लिख लीजिए। जो इसका कलर कोड होता है ना वो ग्रीन होता है, यानी कि ये कैसा कलर होता है सीटीसी अग्निशामक यंत्र, ये ग्रीन कलर का होता है, यानी कि हरा कलर का। ठीक है, ये आप लोग कलर कोड इंपॉर्टेंट है। अग्निशामक यंत्र जो सीटीसी है कहाँ प्रयोग होता है, बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए। अब अगला जो चौथा टॉपिक है हम लोगों का वो नोट करेंगे, अग्निशामक के प्रकार में चौथा टॉपिक। चौथा टॉपिक है ड्राई पाउडर एक्सटिंगुइशर, चौथा ड्राई पाउडर अग्निशामक यंत्र। ठीक है, ड्राई पाउडर अग्निशामक यंत्र इसमें नोट करेंगे। सबसे पहले पूछ देखिए इसमें क्या होता है, आप लोग लिखेंगे इसमें CO2 NH2 की सहायता से, नोट करिए, इसमें CO2 तथा CO2 या कर लीजिएगा, क्योंकि CO2 क्या करता है आग बुझाने के काम आता है, और N2 भी ये क्या करता है, देखिए आग लगाने में सपोर्ट नहीं करते हैं, ये आग बुझाने में क्या है सहायक होते हैं। N2 हो गया यानी कि नाइट्रोजन हो गया। ठीक है, इसमें CO2 या N2 सहायता से N2 यानी कि नाइट्रोजन के सहायता से सोडियम बाइकार्बोनेट के चूर्ण को बाहर निकाला जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट की सहायता से इसके चूर्ण को निकाला जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट के चूर्ण को, सोडियम बाइकार्बोनेट के चूर्ण को निकाला जाता है। ठीक है, चूर्ण पाउडर कब होगा, जब चूर्ण निकलेगा, तो आप लोग नोट करिएगा ये इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है, निकाला जाता है। देखिए ड्राई पाउडर अग्निशामक यंत्र में इसमें CO2 या N2 के सहायता से सोडियम बाइकार्बोनेट को निकाला जाता है, यहां पे क्या है ये सोडियम बाइकार्बोनेट है NaHCO3, और प्रयोग किसका करते हैं हम लोग, तो CO2 का प्रयोग करेंगे या N2 यानी नाइट्रोजन कोई एक का, इसके सहायता से जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ना इसके चूर्ण को निकाला जाता है यानी पाउडर को निकाला जाता है। अब देखिए इसमें का उपयोग पूछ लेता है, उपयोग आप लोग नोट करिएगा ये इंपॉर्टेंट है, पूछेगा ड्राई पाउडर अग्निशामक यंत्र का उपयोग कहाँ करते हैं, तो वो नोट करेंगे आप लोग, इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं। देखिए पाउडर है, अब पाउडर क्या करेगा क्लास C फायर को, क्लास सी में क्या आएगा कमेंट बॉक्स में बताइए, क्लास सी फायर ठोस द्रव गैस, गैस वाली चीजों को यानी कि गैस से लगी आग को बुझाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, किसका ड्राई पाउडर अग्निशामक यंत्र का, गैस से लगी आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ड्राई पाउडर अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं, ड्राई अग्निशामक यंत्र का, अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं, ये नोट कर लीजिएगा। अब इंपॉर्टेंट रह गया ड्राई पाउडर अग्निशामक यंत्र यानी कि ये सिलेंडर का कलर पूछता है। ठीक है, तो इसका कलर कोड आप लोग नोट कर लेंगे, इसका जो कलर कोड होता है यहां पे नोट कर दूं, कलर सिलेंडर का कलर आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो होता है वो कैसा होता है नीला होता है, ब्लू कलर का होता है नीला।
ठीक है। तो ये सभी आप लोगों को समझ में आया होगा, सारी चीजें एकदम इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को एक एक चीज नोट कर लीजिएगा। बाकी कल की क्लास में हम लोग जो टॉपिक छूट गया उसको कवर करेंगे, जैसे कि फर्स्ट एड हो गया, ठीक है। उसके बाद और कुछ रह जाता है कर्मशाला में प्रयुक्त चिन्ह, जो आप लोग देखेंगे जब आप जाप करने जाएंगे तो वहां पे जो कंपनी होगी उसमें विभिन्न तरह के सिंबल बने होते हैं, उसका उससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देता है। इंफॉर्मेशन साइन हो गया, वार्निंग साइन हो गया, ये सभी हम कल की क्लास में आगे करेंगे, ठीक है। आज के वीडियो को ये, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोगों को क्लास करने में बहुत अजीब सा लगेगा ना, तो कल की क्लास में हम डालेंगे। और वीडियो सभी आप लोग सीरियल वाइज देखने के लिए प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और टेलीग्राम ग्रुप अवश्य ज्वाइन करिएगा, सभी का पीडीएफ और क्विज वगैरह उसमें कराया जाता है, जिससे कि आप लोग यहाँ पढ़ेंगे और वहाँ पे क्विज करेंगे तो बाकी सब याद हो जाएगी। और ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो ALP हो, DRDO हो, ठीक है। थ्योरी की क्लास आप लोगों की सभी जगह लगने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक लिए बाय। नेक्स्ट क्लास के साथ मिलेंगे।